इक्वल टू कोसेक बी माइनस सेक बी, मुझे टेन ए इंटू टेन बी का वैल्यू चाहिए, मतलब मुझे जो प्रूफ करना है उसमें इस साइड में देखो टेन है, इसको अगर हम राफली कैलकुलेट कर ले, जो प्रूफ करने के लिए कहा गया है टेन ए इंटू टेन बी, मतलब इस साइड में हमें ए एंड बी चाहिए एंड इस साइड में भी ए बी है, तो ऐसे होगा नहीं, इसको इस तरीके से सोचने से फायदा नहीं, तो कुछ और देखते हैं। इसको तोड़ दो साइन कॉस में, तो क्या आएगा साइन ए साइन बी बाई कॉस ए कॉस बी इक्वल टू इस ए वाला टेन में आया है टेन ए प्लस बी बाई टू, मतलब मुझे साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए इंटू कॉस बी ऐसा कोई टर्म इसके अंदर चाहिए, तो कैसे आएगा सेक के माइनस कोसेक के, किसी को अगर पता है तो बोल सकते हो, अब देखो सेक है मतलब वन बाई कॉस ए वन बाई साइन ए, देख पा रहे हो ना और सुन पा रहे हो तो ओके ओके ठीक है, दिस इज वन बाई साइन बी माइनस वन बाई कॉस बी, अब देखो मुझे क्या चाहिए कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी कैसे मिलेगा जब ए वाला कॉस और ए वाला कॉस एक ही साइड पे रहेगा, तो हम क्या कर रहे हैं इन दोनों को एक साथ एक साइड में ले रहे हैं, इसमें माइनस है इधर आ जाएगा तो प्लस, और ये वाला इन दोनों को एक साइड में ले लेते हैं, इसको इधर लेके आओ, ठीक है इधर तक क्लियर है। अब मतलब मेरा अभी अगर हम एलसीएम करेंगे तो साइन ए इंटू साइन बी इसके नीचे आ जाएगा, ऊपर आएगा साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी, इसमें भी एलसीएम कर लेते हैं, दिस इज कॉस बी प्लस कॉस ए, एलसीएम कर अब देखो मुझे क्या चाहिए साइन ए साइन बी, ए वाला मेरा ऊपर चाहिए, तो यहाँ पर जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम यहाँ पर भेजेंगे और यहाँ पर जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम नीचे भेजेंगे, हम ऐसे कर सकते हैं कैसे क्यों, देखो एक्स बाई वाई इक्वल टू जेड, सोचो ए बाई बी है, मुझे इन दोनों को इंटरचेंज करना है तो कैसे करेंगे इंटू कर लो, अब मुझे यहाँ पर बी चाहिए था तो यहाँ पर बी है, इस y को नीचे हम लाते हैं इस वर्ल्ड, यहाँ पर a है इसको नीचे लाते हैं, देखो इंटरचेंज हो गया ए दोनों यहाँ पर आ गया, मतलब हम चाहे तो इन दोनों को इंटरचेंज ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ऐसे इंटरचेंज हम कर सकते हैं, तो a यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, नीचे वाला क्वेश्चन को ऊपर लिखेंगे मतलब साइन ए इंटू साइन बी और ए वाला क्वेश्चन को नीचे लिखेंगे, तो गया और जैसा है ऊपर रहने दो, नीचे कॉस ए इंटू कॉस बी, अब यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या आ जाएगा टेन ए इंटू टेन बी, ऊपर में देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला में था ए प्लस बी बाई टू ऐसे कैसे आएगा, ए प्लस बी बाई टू ऐसा वाला टर्म तभी आएगा जब हम ऊपर फॉर्मूला यूज करेंगे, किसका कैसा फॉर्मूला, मेरे पास एक फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है टू साइन दोनों साइन का प्लस है, टू साइन साइन के साथ प्लस जाएगा कॉस के साथ माइनस जाएगा, तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, ऊपर में देखो दोनों साइन का प्लस करेंगे मतलब टू साइन
a प्लस बी बाई टू, ए माइनस बी बाई टू, और नीचे दोनों कॉस का प्लस, दोनों कॉस का प्लस का फॉर्मूला भी है हमारे पास, टू कॉस तुम लोगों के पास लिखा होगा, एक बार देख लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टू टू कटेगा, यहाँ पर देखो a माइनस बी और यहाँ पर b माइनस a है, बट मुझे पता है कि cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, इट्स cos थीटा। तो ये वाला कैलकुलेशन देख लो, cos ऑफ b माइनस, ये दिखाना नहीं है एग्जाम में, ठीक है, ये समझने के लिए इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला माइनस एब्जॉर्ब कर लेगा cos, मतलब हम चाहे तो इसको अंदर ऐसे घुमा सकते हैं, यहाँ पर भी घुमा लेते हैं, cos of a माइनस बी बाई टू, ये वाला भी cos of a माइनस बी बाई टू, अब यह पर आ जाएगा, देखो ये वाला टू कट गया, ये वाला पोर्शन भी कट गया, रहेगा क्या सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये वाला हमारा आ जाएगा टेन ए प्लस बी बाई टू, यहाँ पर टेन ए इंटू टेन बी, यहाँ पर भी टेन ए इंटू, देखो समझ में आया, या तो कहीं पर प्रॉब्लम है तो बोल दो, हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। देख लो ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास तक तीनों टर्म लिखे कर चुके हैं हम लोग, यहाँ पर मेरे पास चारों टर्म है, तो यहाँ पर देखो चाहिए क्या है, फिर यहाँ पर शो दैट होगा, मुझे 2x चाहिए, 2x मतलब मुझे 2x को यहाँ पर बचा के रखना है, 2x कौन सा टर्म में आता है आ रहा है, साइन 7x माइनस साइन 5x माइनस साइन 3x इज कॉस 7x माइनस कॉस 5x प्लस कॉस 3x माइनस कॉस, अब यहाँ पर देखो साइन 7x इसके साथ ऐसा कुछ चाहिए जिससे मुझे 2x मिले, तो ऊपर देखो साइन माइनस साइन मतलब यहाँ पर मुझे साइन 3 माइनस साइन डी या तो साइन 3 प्लस साइन डी, इन दोनों में कोई एक फॉर्मूला चलेगा डेफिनेटली, इन दोनों फॉर्मूला को एक बार देख लो, यहाँ पर दोनों साइन का प्लस या माइनस से फॉर्मूला तुम लोगों को पता है, सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू, और ये वाला हमारा आएगा टू साइन, दोनों साइन का प्लस है तो साइन के साथ प्लस जाएगा और के साथ माइनस जाएगा, अब इस फॉर्मूला को यूज करके मुझे 2x तक पहुंचना है, तो यहाँ पर देखो 7 और यहाँ पर अगर 5 ले ले तो 7x प्लस 5x बाई टू करके 2x नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर आएगा 6x, और अगर माइनस करे तब भी नहीं आ रहा है, तब आ रहा है x, मतलब इन दोनों को नहीं लेना है, और क्या लिख सकते हैं इन दोनों को लिखो 7x और 3x, इसको अगर ले तो कितना आएगा 10x बाई टू मतलब 5x
और इन दोनों का माइनस करेंगे तो क्योंकि यहाँ पर माइनस भी होगा 4, हाँ 2x आ रहा है। देखो इन दोनों को लेना है तो नीचे भी हमें इन दोनों को ही लेना पड़ेगा एक साथ, क्लियर हुआ। कौन सा को लेना है, क्यों लेना है, मुझे 2x चाहिए था, हमने sin c plus sin d करके देख लिया, c plus d by करेंगे तो 5x आ रहा है, c minus d करेंगे तो 2x आ रहा है, मतलब मुझे इन दोनों को लेना है, तो ऐसे हम उसको सजा लेंगे। तो sin 7x minus sin 3x minus sin, अच्छा इसमें माइनस है इसमें प्लस है, तो हम क्या कर रहे हैं इन दोनों में से प्लस वाला क्वेश्चन को पहले लिख रहे हैं, तो फॉर्मूला यूज करने में आसानी होगा। इसमें देखो इन दोनों को लेना है cos 7x माइनस नहीं प्लस cos 3x, इन दोनों में ही माइनस है, तो cos 5x माइनस cos x। अब एक मिनट यहाँ पर एक बार देख लेना, दोनों में ही माइनस है, बट हमारा जो फॉर्मूला होता है उसमें सामने वाला में अगर माइनस रहेगा तो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकेंगे हम, इसलिए मुझे सामने वाले में कोई माइनस नहीं चाहिए, सामने वाले में प्लस चाहिए, तो बट इसमें दोनों में माइनस है तो हम क्या करेंगे यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ये प्लस हो जाएगा, क्लियर हुआ। यहाँ पर ब्रैकेट ले लो, प्लस से कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसमें भी ब्रैकेट ले लेते हैं, इसमें भी ब्रैकेट ले लेते हैं, इतना तक क्लियर है, ये वाला सबसे वाइटल लाइन है, बाकी का कुछ नहीं बचा है। यहाँ पर क्यू माइनस कॉमन लिए क्योंकि मुझे फॉर्मूला जो है उसमें या उसके बाद जो हाँ बोलो फिर से बोले ओके ओके। तो देखो जो फॉर्मूला है साइन सी साइन सी प्लस साइन डी साइन सी माइनस साइन डी सब फॉर्मूला में पहले वाला क्वेश्चन में प्लस होता है तभी हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इसलिए हमने क्या किया इन दोनों में से इसमें और इसमें इन दोनों में से प्लस कौन सा किसमें इसमें इसको पहले लिख लिए क्योंकि फॉर्मूला के फॉर्म में आ जाएगा। इन दोनों में ही माइनस था, इसमें और इसमें दोनों में माइनस था, तो हम क्या कर रहे हैं दोनों के एक साथ लिख के इन दोनों में से ब्रैकेट कॉमन ले ले, माइनस को कॉमन ले लिए, जब माइनस को कॉमन ले लेंगे तब इसमें जो माइनस था मतलब इसके पहले वाला ऐसा था। अब इन दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले ये वाला हो जाएगा प्लस, क्यों, क्योंकि मुझे फॉर्मूला का पहले टर्म में प्लस चाहिए, अदरवाइज वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके चलते हैं नीचे, अब यहाँ पर तो फॉर्मूला है हमारे पास साइन सी माइनस साइन डी मतलब ऊपर वाला फॉर्मूला, साइन के साथ माइनस जाएगा तो टू साइन c माइनस डी मतलब 7x माइनस साइन के साथ माइनस जाएगा cos के साथ तब प्लस जाएगा प्लस, इन दोनों में फॉर्मूला यूज करेंगे साइन के साथ माइनस जाएगा cos के साथ प्लस जाएगा। नीचे चलते हैं थोड़ा नीचे वाला क्वेश्चन में, इसको देखो cos का फॉर्मूला cos प्लस cos d तुम लोग खाता में हो होगा जरूर होगा यूज करो by 2 cos के साथ माइनस, जल्दी लिख रहे ओ सॉरी यहाँ पर माइनस है, अब दोनों cos का प्लस फिर से प्लस फॉर्मूला 2 of cos of 5x plus x by 2 into cos of 5x minus x by 2, अब ऊपर देखो 2 इसका कैलकुलेशन कर लो 2x आएगा, इनका कैलकुलेशन करेंगे तो cos of 5x आएगा, तो इन दोनों का कैलकुलेशन यहाँ पर देख लो पूरा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है यहाँ पर sin एक्चुअल कैलकुलेट करेंगे तो sin of minus 4x by 2 मतलब
साइन ऑफ माइनस टू एक्स आएगा, ये वाला क्वेश्चन। या इसका कैलकुलेशन यहाँ पर कर रहे हैं, माइनस क्या होगा साइन से बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस साइन टू एक्स होगा, तो एक्चुअल में ये होगा माइनस साइन टू एक्स। तो हम चाहे तो ये वाला माइनस यहाँ पर भी भेज सकते हैं, तो हम ये वाला माइनस को यहाँ पर, अच्छा ठीक है नेक्स्ट लाइन में कर देंगे, ये वाला देखो थ्री एक्स आएगा, देखो टू कॉस फाइव एक्स इंटू कॉस ऑफ टू एक्स माइनस टू कॉस ऑफ फाइव एक्स थ्री एक्स कॉस ऑफ, यहाँ पर देखो फिर से टू एक्स आएगा। अब ऊपर कॉमन आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, टू कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन है, साइन टू एक्स दोनों में ही है, तो साइन टू एक्स ऊपर से कॉमन ले लेंगे, ऊपर यहाँ पर बचेगा क्या कॉस फाइव एक्स, और यहाँ पर क्या बचेगा ये वाला माइनस इंटू होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और टू साइन एक्स तो चला गया कॉस टू एक्स, ठीक है। नीचे वाला में देखते कॉस टू एक्स ये पर कॉस फाइव एक्स कॉस फाइव एक कट जाएगा, इस टेन ठीक है, देखो देखो क्लियर है या कहीं पर हम फिर से बोले, ठीक है नेक्स्ट लाइन पे चले। यस सर। ओके अच्छा ये वाला इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैम, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट आई डोंट नो, बट मैक्सिमम स्कूल में अगर 10 आउट ऑफ 9 8 स्कूल में ये वाला मैथ आता है, क्यों आता है मुझे पता नहीं। ओके तो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके देखिए इसका वैल्यू फाइंड करना है, कैसे करेंगे सिंपली, इसके बाद क्या करना है, इसका नेक्स्ट लाइन क्या हो सकता है, कुछ समझ में नहीं, अगर आएगा तो साइन कॉस में तोड़ना है, तो ये तो साइन कॉस में तोड़ा हुआ है, उसके बाद फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो सिंपली एलसीएम पढ़ना है और कुछ नहीं, सिंपल एलसीएम, एलसीएम करेंगे तो ये वाला ऐसे दिखेगा, अगर तुम माइनोरिटी देखो तो ऊपर एक फॉर्मूला आ रहा है फाइंड द वैल्यू, वैल्यू मतलब कोई आंसर आएगा सिंगल टू थ्री फोर फाइव ऐसा कुछ या वन ऐसा कुछ नंबर आएगा, मतलब आंसर में साइन या कॉस ऐसा कुछ रहेगा नहीं। ओके तो यह पर्टिकुलर फॉर्मूला आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला, मेरे पास नंबर फोर पॉइंट नंबर फाइव से पॉइंट नंबर एट तक चारों फॉर्मूला है, उसमें एक बार देख लो ऐसा फॉर्मूला है तुम्हारे पास, टू साइन ए कॉस टू साइन ए कॉस बी टू कॉस ए साइन बी टू साइन ए साइन बी एंड टू कॉस ए कॉस बी, ऐसा फॉर्मूला है यहाँ पर, यहाँ पर देखो ऐसा ही है, इस टू को अगर तुम छोड़ दो तो यहाँ पर टू साइन ए साइन बी ऐसा फॉर्मूला, तो इस चीज को छोड़ेंगे कैसे, इसको आगे लेके चलते, चलो तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको हम ब्रैकेट कर देते, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला मुझे दिख रहा है, मैंने पहले भी बोला था ट्रिग्नोमेट्री में जो ऐसा लग रहा है अगर तुम्हें देख के लग रहा है यहाँ पर फॉर्मूला यूज हो सकता है तो डेफिनेटली यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला यूज होगा ही होगा,
तो टू साइन ए कॉन्स्टेंट मतलब मेरा टू साइन ए साइन मतलब ए वाला फॉर्मूला। अब ए वाला फॉर्मूला तो हम लोगों को पता है, टू सॉरी इट्स कॉस ऑफ ए माइनस बी फॉर्मूला नंबर एट देखो तुम्हारे खाता में होगा फॉर्मूला ए प्लस बी। यहाँ पर यूज करेंगे मेरा ए कौन सा है, ये वाला मेरा ए है, ये वाला मेरा बी है, तो कॉस ए माइनस बी ए माइनस कॉस ऑफ 70 डिग्री माइनस 10 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 70 डिग्री प्लस 10 डिग्री। ये पर हम सेकंड बैक कर देते हैं, वन माइनस टू सेकंड ब्रैकेट ये कितना आ रहा है मेरा कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री सॉरी इट्स 80 डिग्री 80 डिग्री इस टू साइन 10 डिग्री। अब वन माइनस टू इसका वैल्यू देखो इट्स हाफ सिंपली कैलकुलेशन करते जाना और कुछ नहीं है, बाकी का वो खुद ही आ जाएगा। ऊपर इनटू कर लेते हैं 1 माइनस 2 इनटू दैट मतलब 1 माइनस इनटू माइनस मतलब प्लस 2 इनटू cos 10 सॉरी cos 80 वन वन कट जाएगा ऊपर से टू कॉस 80 नीचे टू साइन 80 टू टू कट गया। अब बोलो मुझे यहाँ से वैल्यू कैसे मिलेगा, वैल्यू मिलेगा मतलब ये दोनों कटेगा ऊपर नीचे क्यों कटेगा, दिस टू आर इक्वल मुझे वैल्यू फाइंड करना है तो मतलब कॉस साइन तो रहेगा नहीं मतलब ऊपर नीचे कटेगा क्यों कटेगा, कटेगा मतलब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है तो कैसे है, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल तो देखो ए वाला एंगल और ये वाला एंगल देखो दोनों को ऐड करने से 90 आ रहा है तो हम क्या करेंगे cos 80 डिग्री sin 10 डिग्री इन दोनों को ऐड करके 90 आ रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 10 ऊपर से आ जाएगा हमारा cos 90 डिग्री माइनस थीटा एक फॉर्मूला है हमारे पास दैट इज साइन थीटा तो ये यहाँ पर यूज होगा एक्चुअल में ऊपर वाला क्वेश्चन आ जाएगा साइन ठीक है नीचे वाला हमारा साइन 10 डिग्री पहले भी डिस्कस कर लिए कर चुके हम जब cos ये वाला फॉर्मूला या सी या तक ठीक है कटेगा और ये आएगा वन देखो समझ में आया इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैथ सो प्लीज प्रैक्टिस दिस। ऐसा कुछ डिफिकल्ट है नहीं बट बहुत आता है ये वाला में देखो क्लियर है या कहीं पर हमें हम डिस्कस करेंगे टू साइन टेन कौन सा ऊपर बोलो फर्स्ट लाइन साउंड क्लियर नहीं आ रहा सर रेड कलर वाला रेड कलर वाला यहाँ से यहाँ तक यस सर सिंपली एलसीएम की है होता है ना ऐसा एलसीएम का वन बाई ए माइनस बी है इसके नीचे कुछ नहीं मतलब वन तो ए इंटू वन ठीक है
अच्छा उसके बाद बोलो हम एक एक कॉल कर कॉल कर रहे हैं, देखो कौन सा वाला लाइन पे प्रॉब्लम है। सर लास्ट टू लाइन एक्सप्लेन कर दीजिए। लास्ट टू लाइन हाँ देखो ये पर तो इंटू करके कट गया, उसके बाद यहाँ पर माइनस वन प्लस वन कट गया, कटने के बाद जो बचा है वो वाला है। अब इसमें ऐसा आ गया, अब देखो ये वाला 80 है, ये वाला 10 है, इनको ऐड करेंगे तो 90 आ रहा है। तो इस 80 को हम चाहे तो रिप्लेस कर सकते हैं 90 माइनस 10 से। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला दिख रहा है हमें, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। सो यूज दिस फॉर्मूला, यहाँ पर थीटा कौन सा है 10 वाला 10 डिग्री, तो कन्वर्टेड टू साइन 10 डिग्री। अब ऊपर नीचे कटेगा, कट के वन आ रहा है, क्लियर है। ओके सर आप मेथड में ग्रुप का सेंड कर दीजिए। हां क्लियर नहीं हुआ, फिर से एक बार बोलो। ओ क्लियर है सर। लो ग्रुप में सेंड कर दीजिए। सेंड कर दे। हाँ ग्रुप में सेंड कर दीजिए जितना आप सेंड जाए। ओके 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 हाँ हाँ कर देंगे, लास्ट क्लास में हमें वो टाइम नहीं मिला। ओके कर देंगे। अच्छा ये देखो नेक्स्ट ये वाला कर पाओगे तब हम होमवर्क दे देंगे। यस सर। 1/2 sec मतलब cos 80 डिग्री -2 cos 10 डिग्री, मतलब ऊपर वाला जो मैथ करवा चुके हैं अभी हम लोग उसका ही सिमिलर है, ठीक है। तो ये वाला तुम लोगों का होमवर्क होगा, आई थिंक कर पाओगे। नेक्स्ट चलते हैं। ओके नेक्स्ट चलते ये वाला देखो। दिस इक्वल टू दिस एसएनडी का बुक में ही है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने चूज किया इसको। तो प्रॉब्लम यही है कि जो इसको देख के फॉर्मूला तो याद आ रहा है, जो फॉर्मूला हो सकता है जो कॉस है या पर कॉस है, मतलब कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस बी ऐसा फॉर्मूला है हमारे पास, बट उसमें एक टू है, ये वाला टू यहाँ पर है नहीं, प्रॉब्लम यही है। तो मुझे ये वाला टू चाहिए पहले, तब हम इसको तोड़ सकते हैं फॉर्मूला में। ओके तब उसके बाद वो तो कट जाएगा, कट के आ जाएगा, ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। कर लेते हैं सॉल्यूशन में चलते हैं। cos 80 डिग्री cos 40 डिग्री cos 40 डिग्री cos ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, सामने एक टू चाहिए, तब हम कर सकते हैं सामने हाफ ले लेते हैं या फिर एक टू ले लेते हैं। और 40 डिग्री ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन पे टू को सबके साथ इंटू कर सकते हैं, तो ये वाला हम लाइन करेंगे नहीं एग्जाम में, एग्जाम में डायरेक्टली इस नेक्स्ट लाइन पे चले आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये वाला ब्रैकेट उठा देते हैं, टू को सबके साथ इंटू कर देते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई विल रोट दिस। ओके अब देखो सबके सामने टू आ गया, तो सबके सामने ये वाला एक एक करके फॉर्मूला हो गया। अब इसको फॉर्मूला में यूज करेंगे। टू तुम्हारे पास खाता है, देख लो फॉर्मूला, टू कॉस ए कॉस बी, फॉर्मूला नंबर 7 है, फॉर्मूला नंबर 7 देखो उसमें मिलेगा
टू कॉसे कॉस बी का फॉर्मूला, टू कॉसे कॉस बी का फॉर्मूला एक बार हम लिख लेते हैं यहाँ पर। कॉसे कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा, दिस इज कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला है हमारा। तो इसको डायरेक्टली यूज करेंगे, ओके, ऐसे 80 प्लस 40 करके नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे। तो मेरा पास ए कौन सा है 80, बी कौन सा है 40, ओके। तो यहाँ पर 80 प्लस 40 मतलब 120, यहाँ पर 80 माइनस 40 क्योंकि ये मेरा ए है ये मेरा बी है, तो 80 माइनस 40 मतलब 40। नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें भी ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, 40 और 20, 40 मेरा ए है ये मेरा बी है, तो ए प्लस बी मतलब कॉस ऑफ 240 प्लस कॉस ऑफ, माइनस करो, माइनस करने से माइनस 160 आएगा, 40 माइनस 200 सामने कॉस है मतलब 160 डिग्री माइनस, बट कॉस क्या करता है माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो नेक्स्ट लाइन पे, इसमें भी ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ए प्लस बी मतलब कॉस 280 प्लस ए माइनस बी मतलब 20 माइनस कॉस 120, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखो पहले यहाँ पर कॉस 120 है, कॉस 120 का वैल्यू मुझे चाहिए, ये वाला कितना होगा मुझे बोल दो एक बार कैलकुलेट करके अपने खाता में, कॉस 240 का वैल्यू मुझे चाहिए एंड कॉस 160 का वैल्यू चाहिए एंड कॉस 24 इसका भी वैल्यू चाहिए, इस चारों का कितना आ रहा है मुझे एक बार बोल दो, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेंगे। सर कॉस 120 कितना आ रहा है, साइड में कर लेते हैं, cos 120 मतलब cos ऑफ 90 डिग्री इनटू 1 प्लस 30 इज इक्वल टू cos 90 इनटू 1 मतलब cos हो जाएगा sin, एंगल बैठेगा 30, गिरेगा कहां पर इट्स 90 टू 1 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, पर मैथ कितने चले मैथ चले cos का, सो यहां पर माइनस माइनस कॉस 30 कितना होता है हाफ, ओके, तो दिस इज माइनस हाफ, कॉस 240 का वैल्यू कॉस 90 इंटू 2 प्लस 60 डिग्री, कॉस 90 इंटू 2 मतलब इवन नंबर, तो कॉस कॉस रहेगा 60 डिग्री, गिरेगा कहां पर 90 इंटू 1 90 इंटू 2 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में मैच चल रहा है कॉस का, फिर से माइनस माइनस कॉस 60 मतलब, फिर से ए वाला भी माइनस हाफ ही आ रहा है, कॉस 60 कॉस 60 कॉस 90 इंटू 1 प्लस कितना है 70 ना करके इसको हम 90 इंटू 2 कर लेते हैं, क्यों तो 20 डिग्री एंगल यहाँ पर था शायद कोई पर उसको यूज करें और कुछ नहीं, cos 90 इंटू 2 मतलब cos cos रहेगा 20 डिग्री, गिरेगा कहाँ पर 90 इंटू 1 90 इंटू 2 सेम क्वाड्रेंट मतलब cos माइनस 2, ये वाला है। अब ये वाला cos 280 cos 280 का वैल्यू cos 90 into 3 plus 10 degree और नंबर मतलब cos cos रहेगा 10 degree
3 का कहां पर cos 90 इनटू 1 2 3 प्लस मतलब खुद क्वाड्रेंट और मैच चले वक्त खुद का खुद का cos 120 का वैल्यू हम पहले भी निकाल चुके इट्स माइनस ऑफ तो cos 60 का वैल्यू 160 का वैल्यू कितना था माइनस cos 20 एक बार चेक कर लेते हैं इट्स माइनस cos 20 cos ठीक ओके माइनस अप माइनस अप मतलब माइनस थ्री बाई टू कॉस दिस दिस एंड दिस मेरे पास है तो कॉस 40 इन दोनों मतलब ये सब कटेगा दिस दिस एंड दिस ये तीनों काटना चाहिए अगर मेरा मैथ अभी तक जितना किया है उतना अगर करेक्ट है तो इन दोनों में फॉर्मूला यूज करते हैं फॉर्मूला यूज करेंगे तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला तुम लोगों के पास है इट फॉर्मूला से 2 साइन c प्लस t बाय 2 इनटू साइन c माइनस d बाय 2 नहीं यहाँ पर गलत हुआ है मेरा इट्स d माइनस देखो फॉर्मूला में 8 नंबर फॉर्मूला था लास्ट क्लास का उसमें d माइनस ये साइन कैलकुलेट करेंगे तो 30 माइनस 10 यहाँ पे देखो माइनस से बाहर जाएगा उसको भी माइनस कर देंगे साइन 30 कितना होता है हाफ तो जो कटेगा तो ये साइन 10 डिग्री हमसे गलती हो गई शायद हाँ देखो यहाँ पर एक मैंने गलत कर दिया इट्स माय मिस्टेक यहाँ पर देखो ये वाला cos 10 डिग्री लिखा है इसके कॉरस्पॉन्डिंग में और यहाँ पर चलते हैं यहाँ पर गलती मुझसे हो गया है इट्स माय मिस्टेक यहाँ पर ऑड नंबर था तो cos चेंज होके साइन होना चाहिए था ठीक है साइन चेंज नहीं होगा तो ये मुझसे गलती हो गया ये वाला भी साइन होगा ये वाला भी साइन होगा ये वाला भी साइन होगा इन दोनों कटेगा ये वाला अब ये
ठीक है। देखो कहीं पर अगर प्रॉब्लम है तो बोल दो, हम डिस्कस कर लेते हैं। नो सर। ओके यस सर। ओके नेक्स्ट चलते हैं। आई थिंक ये दोनों तुम लोग कर पाओगे, सिमिलर टू दैट। यस। ओके नीचे चलते हैं। ये वाला कट पाओगे ना, ये देख के कोई फॉर्मूला याद आ रहा है बोलो तो, इसको देख के कोई फॉर्मूला याद आ रहा है या कोई भी चीज तक हम लोग सीखे हैं अभी। कोई भी फॉर्मूला देख के याद नहीं आ रहा है? फॉर्मूला नंबर 8 देखो, 8 देखो, साइन ए इंटू साइन बी, बट उसमें एक 2 है, बट यहाँ पर से वो वाला 2 है नहीं, तो मुझे सिर्फ ऊपर एक 2 चाहिए, बाकी का ऊपर जो मैथ था ऐसे ही होगा। जब मुझे 2 मिल जाएगा ऐसे यहाँ पर सामने, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, वो आ जाएगा। देखो कर पाओगे या हम करें, जो बोलो जो बोलो हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये वाला होमवर्क और नीचे वाला भी सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, वो भी होमवर्क रहेगा। अब चलते हैं। ठीक है, ये वाला यहाँ पर देखो, 1 2 3 4 टर्म का इंटू, ऐसा हमने अभी तक किया नहीं, बट एक्चुअली यहाँ पर चारों टर्म है नहीं, यहाँ पर सिर्फ तीनों टर्म है, क्योंकि इसका तो वैल्यू मुझे पता है 8√3/2, तो इसका वैल्यू मुझे पता है, तो एक्चुअल में मुझे पता नहीं है तीनों टर्म। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो इसको देख के कोई फॉर्मूला याद आ रहा है तो एक बार बोल देना मुझे, अगर लग रहा है कोई फॉर्मूला तो वो वाला यहाँ पर डेफिनेटली यूज होगा। यहाँ पर देखो इसका वैल्यू हम बिठा देते हैं, 3/2 साइन ए की डिग्री, साइन ए की। देखो अभी कोई देख के कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है? देखो ये पर कितना है, साइन ए साइन बी, मतलब यहाँ पर एक 2 अगर होगा तो ये फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम यहाँ पर एक 2 दे देते, यहाँ पर एक हाफ दे देते सामने, सब इंटू में है इसलिए सिर्फ एक ही टर्म के साथ इंटू होगा। इसका फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला है, ऊपर अभी लिखे थे हम ऊपर, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, माइनस 40, मतलब सिर्फ 40 होगा कॉस माइनस, तो आप अच्छे से लिख देते हैं, कॉस 20।
अच्छा मतलब cos चेंज होकर साइन में कन्वर्ट होगा, 30 डिग्री गिरेगा का ऊपर 92 1 सेकंड पॉइंट है, मैच चल रहा है cos का माइनस हाफ, दिस इज माइनस हाफ फिर से इंटू कर देते हैं 3/4 इंटू करेंगे तो दिस इज साइन 20 डिग्री, ये वाला पोर्शन एक बार इसके साथ इंटू होगा प्लस ये वाला क्वेश्चन एक बार किसके साथ इंटू होगा अच्छा अब देखो इसको इसको भी एक फॉर्मूला हो देखते लग रहा है तो यहाँ पर एक 2 ले लेते हैं ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे तो 2 साइन है cos भी का फॉर्मूला है, साइन पहले है तो साइन का प्लस आएगा प्लस साइन 20 माइनस 40 फॉर्मूला हम नीचे एक बार लिख देते हैं 2 साइन ए cos b मतलब साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b ठीक है, इसको हम यूज कर लिए यहाँ पर आएगा 3/8 अब ये वाला √3/8 ऊपर देखो इट इज साइन 60 डिग्री, यहाँ पर एक बार देख लो एक्चुअल में माइनस 20 है बट माइनस वाला बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये साइन है प्लस 3/8 साइन 20 डिग्री √3/8 साइन 20 ये वाला माइनस बाहर आएगा यहाँ पर और ये √3/8 इंच होगा तो दिस इज माइनस √3/8 अब ये देखो ये दोनों कट गए एक मिनट यहाँ पर गलती हो गई हमसे ये वाला ये 60 साइन 60 कितना होता है हाफ √3/16 ठीक है देख लेते एक बार नहीं ये तो 3/16 है मतलब एक कहीं पर गलती हो गया हाँ यह पर ठीक है देखो बहुत बड़ा मैथ है एक बार ऊपर से देख लो धीरे धीरे अगर कहीं पर प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस कर लेंगे ऊपर ले लाइन को ठीक है देख लो कितना तक पहले देख लो उसके बाद नीचे जाएंगे
सॉल्यूशन आपका क्लियर है? यस सर क्लियर है। ओके नीचे चलते हैं, अभी यहाँ पर देखो नेक्स्ट चलते हैं नीचे। आई थिंक ये वाला तुम लोग कर ही पाओगे क्योंकि वहां पर चारों टर्म थे पर तीनों टर्म है। सिमिलर फॉर्मूला यूज होगा, इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे करेंगे, टेन है मतलब टेन को पहले हम ऊपर लिखेंगे, टेन टेन को साइन कॉस में तोड़ देंगे। और नीचे आएगा दिस, उसके बाद ऊपर एक टू नीचे एक टू लगा के हम कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं बोलूंगा कि ये वाला मैथ को तुम छोड़ देना, पर्टिकुलरली ये वाला मैथ को, बट ये वाला मैथ इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों छोड़ देना है, क्योंकि नेक्स्ट जो चैप्टर करेंगे उसमें एक फॉर्मूला है मैं हमारे पास, जिससे कि ये वाला मैथ इतना बड़ा नहीं होगा, छोटा करके हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई इस वाले मैथ को हम सजेस्ट करेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर के लिए छोड़ दो, ठीक है। देखो एक साइन का या फिर साइन बाई कॉस, मतलब एक साइन का मैथ ही ऊपर इतना बड़ा हो चलेगा, ऊपर नीचे सिमिलरली कॉस का पूरा मैथ चलेगा, उसके बाद आंसर आएगा। एक्चुअली में मेरा जो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा एकदम, तो इसके लिए हम नेक्स्ट चैप्टर को यूज करेंगे तो आसानी होगा, ठीक है। ओके सर, ओके ठीक है सर। बाकी का तुम लोगों का होमवर्क होगा, तो एक बार चाहो तो तुम लोग घर में कर सकते हो, सिर्फ जानने के लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगा, बट एग्जाम के लिए हम नेक्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके चलो नीचे चलते हैं। हाँ अब आया, ठीक है अब बोलो। यस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार्ट हो रहा है, जो ज़्यादा आता है एग्जाम में। या पर देखो जो दिया हुआ है और जो प्रूफ करने के लिए बोला गया है उसमें दोनों में एक बार देख लो। इसमें देखो b माइनस सी बी प्लस सी, बी प्लस सी एंड बी माइनस सी बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम मैथ। मतलब यहाँ पर कैसे कैसे आया ये दोनों टर्म एक ही मैथ में कैसे आ सकता है? ये देख के तुम्हें कॉम्पोनेंट डिविजन का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है? कॉम्पोनेंट डिविजन था ना हमारे पास, a बाय b इक्वल टू c बाय b अगर होगा तो a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस बी। मतलब ऐसा वाला टर्म यहाँ पर है, मतलब डेफिनेटली इस मैथ में कॉम्पोनेंट डिविजन चलेगा। इतना क्लियर है, बाकी का कुछ नहीं बचा है, इतना क्लियर होना चाहिए पहले जो यहाँ पर कॉम्पोनेंट डिविजन मुझे यूज क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस बी माइनस सी बी प्लस सी बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम मैथ, तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस फॉर्मूला। ओके समझ में आया ना? तब हम आगे चलेंगे। यस सर समझ में आया। तब करते हैं फॉर्मूला यूज। मुझे क्या चाहिए, b प्लस सी बी माइनस सी, मतलब मुझे b बाई सी का टर्म चाहिए। इससे पहले तब यहाँ पर मुझे b लेना है, ये वाला c को यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर देखो cos वाला ये वाला क्वेश्चन ऊपर रहेगा, ये वाला क्वेश्चन नीचे लेके जाना। ये पर आएगा हमारा b प्लस सी बी माइनस सी, यहाँ पर भी ऐसे ऊपर पोर्शन प्लस नीचे का यहाँ पर भी ऐसे ऊपर पोर्शन माइनस नीचे
यहाँ पर क्या आएगा cos t प्लस cos t का फॉर्मूला, हमारे पास ये cos t प्लस cos t का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई टू जी के लिए करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नहीं। अच्छा ठीक है लिख लेते हैं c प्लस d बाई टू और क्या आएगा cos माइनस डी, माइनस डी मतलब इसका पूरा माइनस, तो माइनस थीटा माइनस वन ट्वेंटी बाई टू, नीचे भी वही ऐसे आएंगे दिस, और दोनों कॉस का माइनस है तो फॉर्मूला में साइन आएगा, सी प्लस डी पहले आएगा इंटू साइन, यहाँ पर फॉर्मूला चेंज होगा डी माइनस डी मतलब ए वाला पहले आएगा माइनस डी बाई टू, ठीक है। अब इसको यूज कर लेते हैं टू कॉस, इसका कैलकुलेट कर लो ऊपर देखो टू थीटा प्लस 160 सॉरी 360, उसे डिवाइड करेंगे तो 180 प्लस थीटा, यहाँ पर देखिए कॉस इन दोनों में थीटा थीटा कट जाएगा 240 माइनस 20 120 डिवाइड करेंगे तो 60। हाँ बोलो बोलो, 120 प्लस थीटा और ये वाला आएगा साइन माइनस 60, ओके। अब ये वाला देखो टू टू कटेगा ऊपर ऊपर वाला देखो कॉस 90 इंटू टू मतलब कॉस वाला पोर्शन कॉस रहेगा 90 इंटू टू मतलब कॉस कॉस रहेगा, थीटा निकल बैठ गया गिरेगा कहाँ पर 90 इंटू वन 90 इंटू टू प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट मैच चल रहा है कॉस का, सो माइनस cos 60 कितना होता है इट्स हाफ, नीचे आते हैं 2 sin 80 sin 90 into 2 मतलब sin sin रहेगा थीटा बैठ गया गिरेगा कहां पर इट्स आल्सो थर्ड क्वाड्रेंट 90 into 2 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, फिर से ये वाला माइनस, यहां पर देखो cos sin माइनस 60 छोटा करके यहां पर लिख लेते हैं sin ऑफ माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू माइनस साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू माइनस साइन 60 होता है कितना रूट थ्री बाई टू, तो ये वाला हमारा माइनस रूट थ्री बाई टू आएगा। अब देखो कट रहा है ऊपर नीचे दिस कट गया इसके साथ और क्या कटेगा टू इसके साथ टू कट गया माइनस माइनस कट गया बचा क्या नीचे रूट थ्री बच गया। हाँ एक बार देख लेते हैं आंसर ठीक आ रहा है क्या, टेन आना चाहिए था टेन 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 टेन, हाँ यस टेन ही आ रहा है मुझे आंसर में देखो टेन चाहिए बट मेरा आ रहा है कॉट, ठीक है एक काम करते हैं हम पहले इस लाइन को कंटिन्यू कर लेते हैं ये वाला माइनस आएगा यहाँ पर और यहाँ पर आएगा कॉस बाई साइन रूट थ्री है। अब एक काम करते हैं मुझे टेन चाहिए तो हम क्या करते हैं इसको भी रिवर्स करेंगे यहाँ पर इसको भी रिवर्स करेंगे दिस इज बी माइनस सी बी प्लस सी माइनस इसके ऊपर चलते हैं ठीक है कॉस थीटा Thank you.
में आएगा b माइनस सी बाई बी प्लस सी माइनस रूट थ्री साइन बाई कॉस मतलब टेन। अब इंटू कर लेते हैं इसके साथ इसको इंटू कर लेते हैं b माइनस सी देखो आ गया आंसर। यस सर। ठीक है अब देखो एक बार हम ऊपर से स्क्रॉल कर रहे हैं कहीं पर प्रॉब्लम होगा तो बोल दो। ये वाला लाइन देख लो यहाँ पर देखो कोई प्रॉब्लम नहीं जाने बिफोर 16 नवंबर प्लीज परचेज एसएनजे मैथ बुक। ओके सर यस बुक है। ओके ओके वो वाला हमें लगेगा। ठीक है पहले हम डिस्कस कर लेंगे पहले क्लास में डिस्कस कर लेंगे कैसे चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री उसके बाद कितना कंटिन्यू करना है उसके बाद कौन सा जाना है। ठीक है ठीक है रेगुलर क्लास होगा प्लीज वहाँ पर छुट्टी मत करना डेली आ जाना अगर तुम्हें इंटरेस्ट है पढ़ाई में तो डेली आ जाना। ओके तब हम सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वहाँ पर डेली शायद डेली मैथ रहेगा आई थिंक रहेगा डेली मैथ रहेगा क्योंकि टाइम कम है तो डेली मैथ रहना चाहिए एक्चुअल रूटीन में। अब देखते हैं क्या क्या होता है। ओके ओके आई थिंक ये वाला कर पाओगे अभी देखो बी प्लस सी बी माइनस सॉरी हाँ बी प्लस ए बी माइनस ए ये दोनों है मतलब यहाँ पर सिमिलरली मुझे कंपोनेंट डिविजन चलना है तो मुझे बी माइ बी बाई ए चाहिए। देखो यहाँ पर बी है यहाँ पर ए है कर पाओगे। यस सर। ओके तो ये वाला होमवर्क होगा प्लीज होमवर्क कर लेना हम वीडियो और वो वाला पीडीएफ भी भेज देंगे। ठीक है लास्ट क्लास में हमें टाइप नहीं मिला। और ये वाला सब यहाँ पर एक एक करके देख लेते हो देखो m माइनस यहाँ पर है मतलब m बाई वन होगा मतलब यहाँ पर कॉम्पोनेंट डिविडेंड यहाँ पर कॉम्पोनेंट डिविडेंड यहाँ पर भी कॉम्पोनेंट डिविडेंड ही चलेगा। ठीक है यहाँ पर मुझे कंपोनेंट डिविडेंड ही चलेगा कैसे क्योंकि यहाँ पर 4 है 4 मतलब क्या 4 प्लस 1 बाई 4 माइनस 1 मतलब 5 थी देखो यहाँ पर 5 और 3 ठीक है उसको छोड़ के भी यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा है मतलब यहाँ पर कंपोनेंट डिविडेंड डेफिनेटली यूज होगा। ठीक है तो इतना तक तुम लोगों का होमवर्क हो जाना चाहिए। ठीक है सर ठीक है इतने तक आपका क्लास खत्म करते हैं और एक दो मैथ होगा शायद हम देखेंगे अगर वीडियो करके छूट दे सकते तो वो वाला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ओके ओके थैंक यू सर हम ये वाला दे देंगे।